हेलो, हेलो। यस दक्ष, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आप बहुत ही, यस मैम, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस मैम। मैम आप जब तेज बोल रहे हो तो आपकी वॉइस एकदम से मिक्स हो रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। मैं भी देखती हूँ उसको, ठीक है। यस मैम। आवाज कट कट के आ रही है। सर आवाज कट कट के आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत स्लो स्लो बहुत प्रॉपरली आपको धीरे धीरे समझाती हूँ, बिकॉज कुछ नेटवर्क इश्यूज है। किसी के पास आवाज देर से पहुंच रही है, किसी के पास थोड़ी डिस्टर्बेंस के साथ पहुंच रही है। मैं थोड़ा सा उसको अपने वे से थोड़ा स्लो स्लो एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। ट्राई टू मैनेज विद इट। नेटवर्क इश्यूज है, जैसे जैसे नेटवर्क इश्यूज क्लियर होंगे आवाज भी क्लियर हो जाएगी। So chapter 2, the adventures of Tintin. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपके पास कभी भी बेबी मंकी रहा है एज अ पेट? और बेबी मंकी नहीं रहा तो हर किसी के पास कोई ना कोई पेट होता है मोस्ट प्रोबेबली। हम उसको एक नेम भी जरूर देते हैं। यहाँ पे ये जो बेबी मंकी है उसका नेम क्या है? टोटो। टोटो इज अ बेबी मंकी। Let's find out whether he is mischievous or not. हमारे पास जो घर पे पेट्स होते हैं, कुछ पेट बहुत मिस्चीवियस होते हैं, सारा दिन मस्ती करते हैं, दे आर सो लॉन्ग मंकी। एंड कुछ बहुत डोसाइल होते हैं, डोसाइल मींस वेरी काम एंड वेरी पेशेंट, बहुत ही पीसफुल अपना एक तरह, ठीक है। तो नॉर्मली आजकल मैक्सिमम क्या पेट्स होते हैं सबके पास में? डॉग्स होते हैं। कुछ डॉग्स बहुत चतान होते हैं और पल्ला भी होते हैं, कुछ बहुत जिस पर्पज के लिए वो होते हैं हमारे घर पर, कुछ डॉग्स सिर्फ वो पर्पज सॉल्व करते हैं दैट्स इट। जैसे ही ये जो हम टोटो के बारे में बात कर रहे हैं, टोटो इज वेरी नॉटी, बहुत एडवेंचरस किस्म का है। तो यहाँ पे क्या है, एक कैरेक्टर है ग्रैंडफादर जिनको एनिमल्स का बहुत शौक होता है, लव्स टू हैव वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो उन्होंने अपने घर पे क्या बना रखा है, एक प्राइवेट जू भी बना रखा है जिसमें देर आर लॉट ऑफ एनिमल्स। सो ही कीप्स ऑन एडिंग वन एंड वन एंड वन एंड वन, और ऐसे करके उन्होंने अपना पूरा प्राइवेट जू रेडी कर लिया। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, so now we will start explaining it. Grandfather bought Toto from a tonga driver for a sum of 5 rupees. The tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Grandfather ने क्या किया? He bought a Toto from a tonga driver. A tonga driver used to keep this pet monkey tied on his tonga. One day grandfather was able to approach him. The grandfather ने decide किया that he is going to buy this monkey, baby monkey. So tonga driver से उन्होंने इस monkey को ले लिया for the amount of 5. Tonga driver हमेशा इस little red monkey को क्या करता था? The feeding trough से tie करते रहते थे. Feeding trough means थ्रो क्या होते हैं? थ्रो इज अ प्लेस, आपने देखा होगा ना एनिमल्स को पानी या खाना डालने के लिए जो एक छोटी सी प्लेस होती है बड़ी सी, जिसके हम अंदर उसको खाना डाल के देते हैं। तो वो जो होती है वो हमेशा उसको फीडिंग थ्रो पे टाई करके रख जाता है। एंड मंकी सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर, और दैट मंकी इज सच अ ब्यूटीफुल मंकी विद शाइनिंग स्पार्कलिंग आईज, सी ग्रैंडफादर डिसाइडेड नो, this monkey is not safe for this place. So he decided that he is going to buy this animal, take it to his home and add this little fellow to the private zoo where his other animals are. Toto was a pretty monkey. Toto was a very beautiful, pretty monkey. He was naughty, adding to his beauty. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. उसकी जो आईज थी वो बहुत ही स्पार्कलिंग आईज थी, एंड इतनी स्पार्कलिंग थी दैट सम कुछ बच्चे होते हैं छोटे, जब हम उन्हें देखते हैं हम समटाइम्स क्या फील करते हैं, बच्चे की तो आंख को शरारत दिखाई देती है। तो लाइक सिमिलरली दिस मंकी हिज आईज वर सच स्पार्कलिंग दैट ही वर एबल टू
see the mischief, shararat, naughtiness beneath his deep-set eyebrows. Uski eyes expressed karti thi ki wo kitna shaitan thi. And his teeth, which were a pearly white, bilkul moti ho jaise white, uske pearls jaise teeth, were very often displayed in a smile that brightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. एंग्लो-इंडियन लेडीज देखे होंगे बिल्कुल डीप ब्लैक कलर में जिनके व्हाइट व्हाइट टीथ होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये भी ये मंकी जब अपने व्हाइट टीथ डिस्प्ले करता था स्माइल में तो कहीं ना कहीं किसी को भी बहुत फ्राइट फील करता था बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी इयर्स. आपने देखा है घर में हम पिकल डालते हैं जिसको हम अचार बोलते हैं उसको कुछ समय के लिए ड्राई होने के लिए धूप में रखते हैं. तो ऐसे उसके हाथ इतने ड्राइड अप थे जो उसके हैंड्स थे बंकी के देख ऐसा लग रहा था जैसे कि दे हैव बीन सिटल्ड इन सन जैसे बहुत सालों से फॉर मेनी इयर्स दे हैव बीन इन द सन तो बहुत ड्राई अप हो गए थे. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड डिफिकल्ट बट स्टिल उसकी जो फिंगर्स थी ना दे वर वेरी क्विक fast moving and wicked. Wicked matlab always ready to do some or the other mischief. And his tail. Monkey hamesha kiske liye famous hota hai? His tail. His long tail. Which adds to his goodness. Aap koi bhi monkey ho, agar without tail aapko koi monkey mil jata hai. To aapko kya lagega? Wo monkey bilkul bhi achha nahi lagega. Because kahin na kahin something that adds to the beauty, to the good looks of a monkey is the tail. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. And grandfather, who was an animal lover, unka thought kya tha? Ki tail toh aisi cheez hai jo kisi ki bhi good looks mein hamesha addition ka hi kaam karegi. Also served as a third aur wo ek third hand ki tarah bhi serve karti hai. Especially to the monkey. How come? अब ब्रांचेस से हैंग करने के लिए आइदर यू यूज योर हैंड यू यूज योर फीट बट यहाँ पे क्या होता है टू हैंड्स के बाद में मंकी जो होता है वो कई बार समटाइम्स टू हैंड्स फ्रॉम अ ब्रांच ही यूजेस हिज टेल और टेल के सहारे भी ब्रांचेस पे हैंग हो जाता है. एंड अलॉन्ग विद दिस इवन कभी भी किसी के हाथ से टू लिफ्ट समथिंग और समवन वेरी क्विकली scooping बोलते हैं जिसको scooping up any delicacy that might be out of the reach of his hand जिसके हाथ से दूर है हाथ की पहुंच में नहीं है but he still wants to scoop that thing up. ठीक है he still wants to lift that thing up. तो उसके लिए वो क्या use करता है अपनी tail use करता है. So in this way the tail proves to be the third hand for the monkey. Grandmother but another thing very contrasting and opposite thing. वो क्या थी? Grandfather was an animal lover, but whenever grandfather bought any animal at the home, grandmother was always annoyed. Grandmother हमेशा नाराज हो जाती थी, हमेशा गुस्सा हो जाते थे. Grandmother always fussed when grandfather bought home some new birds or animals. ग्रैंडमदर जो थे वो हमेशा बहुत ही फर्स्ट रहते थे. फर्स्ट मीन्स ही वाज ऑलवेज अनॉयड गुस्सा रहते थे. कब? व्हेनेवर कभी भी जब क्या होता था ग्रैंडफादर कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड घर लेके आते. सो इट वाज डिसाइडेड तो ये डिसाइड हुआ दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी कैप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड. अब ये डिसाइड हुआ कि टोटो की प्रेजेंस जो घर में होगी ना वो क्या होगी उसको हमेशा एक सीक्रेट रखा जाएगा. मीन्स कुछ समय के लिए जब तक ग्रैंडमदर का मूड अच्छा नहीं होता उनको ये नहीं बताया जाएगा कि घर में एक मंकी भी आ चुका. तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोज़ेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल. बेडरूम वॉल में क्लोजेट ओपनिंग का क्या मतलब होता है? हमारे घर में आपने देखा होगा, आपके रूम में आपने देखा होगा कबर्ड होते हैं जो वॉल में बने हुए होते हैं उसके आगे क्या होते हैं डोर्स होते हैं. तो इन्होंने भी ऐसा सोचा जिसको हम वार्डरोब्स भी बोलते हैं. तो इन्होंने सोचा ग्रैंडफादर ने और ने कि हम इस मंकी को क्या करेंगे उसके बेडरूम की जो वॉल में जो क्लोजेट ओपनिंग है वो उसके अंदर कुछ समय के लिए रखेंगे. There he was tied securely, जहां पे उसे बहुत ही सिक्योरली टाई करके और वी शुड
और सो वी थॉट टू पेग टू अ पेग फास्टिंग लिंक टू द वॉल. आपने देखा होगा वॉल के अंदर एक हम ऐसा कुछ नेल जैसी चीज लगा देते हैं जिससे हम बांध देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पेग बोलते हैं. तो हम ओडर ने वो क्यों सोचा लगाने के लिए, वो इसलिए सोचा कि जब यहाँ पे एनिमल होगा तो उस पेग से जब इसको बांध देंगे तो वो बाहर नहीं रखेगा, ठीक है. सो टू अ पेग फास्टिंग लिंक टू द A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, अब कुछ समय के बाद में grandfather और author आए Toto को release कर रहे के लिए कि उसको इस कबर्ड से निकालते हैं, इस पेग से उसकी हम डोर को release करते हैं. तो उन्होंने देखा, because हमें पता है Toto कैसा monkey था, बहुत ही mischievous. तो उन्होंने क्या देखा, we found that the wall which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. कि उस रूम की वॉल जो बहुत ही प्यारे से वॉलपेपर से कवर्ड, वो वॉलपेपर जिसको बहुत पसंद थे grandfather chose, now it stood naked brick and plaster. Means all the wallpaper had been scrapped by the monkey and the break and the plaster on that wall was now visible to them. So this was the first mischief that was done by Toto. The peg in the wall had been wrenched from its socket. So जहाँ पे उन्होंने peg को wall के अंदर जब fix किया था, Toto has pulled it so harshly that it was also wrenched from the socket. That is, it was pulled out from the socket where it had been fastened. And my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. And author ka school ka blazer, blazer you understand, you all wear blazers in winter, that is coat, a kind of coat, jise hum blazer bolte. So uska bhi school blazer tha, which had been hanging there. Toto, then जैसे ही Toto ने अपने आप को unfasten किया, he just go and scooped up the blazer and blazer को scoop करने के बाद में क्या किया, जैसे उसे सब कुछ crack करने की आदत थी, he did again, the blazer was in shreds, that is, he was torn out in small pieces, the blazer was torn out in small pieces. I wonder what grandmother, अब सबको चिंता यही हुई कि ये इतना नुकसान कर रहा है, we just wonder कि जैसे ही grandmother को पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, what will be the outcome, grandmother क्या करेगा. I wonder what grandmother would say, मैं सोच सोच के हैरानी हो रही थी कि grandmother क्या कहेगी, but grandfather didn't worry, but grandfather को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, he seemed pleased with Toto's performance. वो Toto की परफॉर्मेंस से बहुत प्लीज थे. समटाइम्स क्या होता है, जिसके घर में छोटे ब्रदर सिस्टर्स होंगे शरारते करते, किसी को इरिटेशन होता है बट किसी को उनकी शरारतों में बहुत अच्छा भी लगता है. एंड समटाइम्स वो बंदा जब शरारत नहीं करता, वी ऑलवेज सी यार व्हाट हैपेंड, आज वो शरारत नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है. तो ऐसा ही है, तो ग्रैंडफादर सीम्स टू बी वेरी प्लीज विद Toto, ही इज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर. Grandfather ने क्या कहा, he is clever, ये बहुत smart है. यहाँ पे clever का मतलब बहुत smart है. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. Now see, थोड़ा सा fun corrupt आ रहा है. Grandfather क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर इसे थोड़ा और समय मिल जाता तो ये जो torn pieces हैं blazer के, he would have tied them. Made a rope, एक रस्सी बना लेगा एंड इस विंडो से ये एस्केप भी कर जाएगा. He is so clever, he is so smart. His presence in the house still a secret. Toto की जो presence थी ना घर में, वो अभी भी क्या थी, एक secret. It was secret from whom? From everybody, especially from grandmother. Toto was now transferred to a big cage in the servant quarter, where a number of grandfathers said. Lived very socially together. अब Toto को कहाँ लेकर गए, उसे ट्रांसफर कर दिया, means उसे क्लोजेट में से, उस रूम में से निकाल के उसे कहाँ ले गए, he was transferred to a big cage.
ठीक है, एक बड़े से केज के अंदर ले गए, कहां पे? इन सर्वेंट्स क्वार्टर, जहां पे ग्रैंडफादर के नंबर ऑफ पेट्स साथ में रहते थे। वो बहुत ही कैसे रहते थे? बहुत ही सोशियबली साथ में रहते थे। सोशियबली मतलब सब बहुत मिलजुल के रहते थे, ठीक है। सब डिफरेंट एनिमल्स थे, दो डिफरेंट एनिमल्स का साथ में रहना बहुत मुश्किल होता है, वी ऑल नो, बट इनके जो पेट्स थे वो बहुत ही सोशियबली मिलजुल के रहते थे। A turtle, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet. So, which were the animals? A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while, author's pet goat was also the member of who was a member of grandfather's private zoo. Now the new addition is what? New addition is Toto. That is the beautiful pet monkey. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep. But monkey, a great monkey, which is the newcomer here, he was so smart, he was so naughty that he wouldn't allow any of his companions to sleep at night. टोटो द महापेटा, कोई एनिमल रात को सो नहीं सकता। सो ग्रैंडफादर, जिनको अभी देहरादून के लिए जाना था, ग्रैंडफादर हू हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। ग्रैंडफादर नेक्स्ट डे उन्हें देहरादून के लिए निकलना, किसके जा रहे थे वो? ही वॉज गोइंग टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन। सो ही थॉट that he is so naughty, so mischievous, and he doesn't let any other animals sleep at night. If left inside the home, he is going to destroy so many things. So what to be done with Toto? So grandfather, after thinking, he decided that he is going to take Toto along with him. He decided. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. Usually, author used to accompany grandfather on all the trips. But this time, unfortunately, he was not going to accompany grandfather on that trip. But he told me about it after. But उन्होंने मुझे इसके बारे में वो बात की। A big canvas kit bag was provided for Toto. Now, if you want to carry Toto with you, इसके लिए कुछ manage तो करना पड़ेगा। किस में लेके जाना है, कैसे लेके जाना है? तो यहाँ क्या हुआ? अभी ब्लैक एंड व्हाइट किट बैग प्रोवाइड किया गया फॉर टोटो। दिस विद सम स्ट्रॉज एट द बॉटम, उसके बॉटम में देयर वाज सम स्ट्रॉज स्प्रेड ऑन द बेस। अब वो क्या हुआ? दिस किट बैग बिकेम द न्यू अबॉर्ड। अबॉर्ड मींस न्यू हाउस फॉर टोटो। व्हेन द बैग वाज क्लोज देयर वाज नो एस्केप। जैसे ही बैग क्लोज हो जाएगा ना, कोई भी एस्केप नहीं रहेगा, ठीक है, उसमें से टोटो निकल नहीं सकता। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। टोटो जो है उस बैग में से ओपनिंग जो थी वो उसमें से अपना हैंड भी नहीं बाहर निकाल सकता। मेन ओपनिंग वाज सो लिटिल दैट ही कुड नॉट टेक आउट हिज हैंड ऑल्सो। And second thing, the canvas from which this bag was made, it was so hard, so strong that Toto would not be able to bite the bag and made his way through it. His effort to get out only had the effect of making a bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station. Now something again amazing happened. Just think about it. Agar aapke samne bhi aisa ho, it would have been a great one. Hua kya? Toto was not able to take out his hand. Toto was not able to bite the bag and make his way out. But Toto, he was mischievous and he was always up to some mischief. So now this time what he did? All his efforts helped him to only do one thing. That is, being inside the bag, he starts rolling along with the bag above the floor. And occasionally, he starts hopping, jumping. So, along with the bag, he starts jumping into the air. And this was a thing of exhibition for all the onlookers
ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म. जितने लोग थे वो उछलता हुआ बैग, रोल होता हुआ बैग देखते हुए, सारा क्राउड जो था वो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे वो बहुत अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ एंड खड़े होकर वहां पे देखते रहे कि ये क्या हो रहा है. एंड था क्या, ये जितने भी क्यूरियस ऑन लुकर्स थे, ये क्यूरियस क्यों थे, बिकॉज दे वांटेड टू नो. अब आपको भी सडनली कोई हॉपिंग एंड जंपिंग करता हुआ बैग दिख जाए, आप सोचोगे कि ये क्या है, बैग में ऐसा क्या है दैट दिस बैग इज हॉपिंग एंड जंपिंग इन टू द एयर. सो दीज वर ऑल द स्टेट क्यूरियोसिटी वॉज इन द माइंड ऑफ द पीपल ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म एट विच प्लेस देहरादून वेयर ग्रैंडफादर वॉज गॉन फॉर टू टेक हिज पेंशन. टोटो रिमेन्ड इन द बैग as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a white grip. Ab sabse pehle dekh lo yahan pe ek word hai turnstile. Turnstile kya hota hai? All of you must have traveled through journey through train. Train se kabhi na kabhi gaye. You know, wahan pe ek railway platform pe ek gate hota hai, through which one by one the passengers pass, showing the tickets to the ticket collector, जो TC होता है वहाँ पे. Okay, समझ में आ रहा है ना? तो Toto जो था वो सहारनपुर तक तो अपने बैग के अंदर रहा, as far as Saharanpur. But after that, what happened? After that, the thing that happened was, जैसे ही grandfather was producing the ticket at the railway turnstile, वो door पे जैसे ही grandfather वो पकड़ाने लगे railway turnstile पे ticket, Toto ने suddenly took out his head out, means he poked his head out of the bag, and the ticket collector जो था उनको एक बहुत ही वाइड से वो पर्ली वाइट टीथ से एक वाइड सा ग्रिन, ग्रिन मतलब एक बहुत ही फनी सी स्कैरी सी स्माइल होती है वो उन्होंने उसको दी. मंकीज की स्माइल आपने देखी होगी कैसी होती है, तो वो ग्रिन उन्होंने उसको दे दी. किसने? Toto ने टिकट कलेक्टर को. The poor man, अब सडनली आपको पता नहीं है कि आपके सामने कोई मंकी है, सडनली एक बैग में से एक मंकी बाहर आता है एंड वो क्या करता है, बाहर आता है और एक ग्रिन देता है, तो आप क्या हो गए, एकदम से घबरा जाए. ठीक है, तो ऐसे ही टिकट कलेक्टर था, he was also taken aback. The poor man was taken aback, but the great presence of your of mind and much to grandfather's annoyance, he said, you have a dog with you? You have a dog with you, उन्होंने बोला. ठीक है, you will have to pay for it accordingly. उन्होंने बोला, poor man जो था उसने बोला, sir, बहुत ही grandfather के गुस्से को ध्यान में रखते हुए, अपने mind की presence को ध्यान में रखते हुए बोला, सर आपके साथ एक dog भी है, आपको accordingly इसके लिए pay करना पड़ेगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quasi. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over his pay. So in vain, grandfather jo the, unhone Toto ko bag se nikala and in vain he tried to prove to the ticket collector ki ye dog nahi hai, he is a monkey, he can't qualify as a dog. Even what was it, quadrupeds in him, quadrupeds kya hota hai, four legged animal, isse to do and a do leg, aap kisi four legged animal bhi nahi le sakte, so how can you qualify him as a dog? Toto was classified as a dog by the ticket collector and 3 rupees ek sum tha jo unko single charge kiya. So students, looking at the time, हम इसको chapter को आज यहीं पे एक बार रोकते हैं. But अभी जो last के 5-10 minutes हैं, we will take with your query session. So from next line, you mark it here. अपने-अपने text में आप लोग सब इसको mark करके रखो. Page number 8, the last 2 paragraphs are remaining. इससे हम कल start करेंगे. Hope everything is well clear. कल भी आप मुझसे इसके बारे में question पूछ सकते हो when you will go through the text. ठीक है, मीनिंग्स है जो भी है, बट स्टिल अभी इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन, वन बाय वन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. ओके, हेलो हेलो आस्था, हेलो आस्था, आर यू एबल टू हियर मी?
Asha, I'm not able to get your voice. Good morning, ma'am. Yes. Yes, okay. Good morning. Bolo, kuch problem hai? Ma'am, what is the meaning of mischievous? Mischievous, बहुत शैतान है ना. Mischievous is naughty. घर में कई बार होते हैं ना, बच्चे होते हैं या पेट्स भी होते हैं जो बहुत बिहेव करते हैं, बहुत ही नॉटी, बहुत ही शरारती होना जिसको हम बोलते हैं. शरारती है, मिस्चीवियस. ओके टॉपिक. एक बार कर इसको वापस कर. हेलो मैम, क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया? यस मैम. ओके टॉपिक, थैंक यू. यस, एनीवन एल्स? इफ एवरीथिंग इज वेल क्लियर एंड वेल एक्सप्लेन्ड, ऑल ऑफ यू जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई शुड नो कि आपको अभी तक का सब अच्छे से समझ में आया. रेज योर हैंड. ओके स्टूडेंट, वेरी गुड, वेरी गुड. सो टुमारो जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे ना, सो मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैं आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे रैंडमली पूछ लूंगी. एंड यू गो थ्रू दिस. आपको कल कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो नाउ यू कैन लोअर योर हैंड. ओके, सो आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है एक बार गो थ्रू द टेस्ट एंड पूछना. यस मैम, ओके, गो थ्रू द टेस्ट वंस. कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको मार्क करके रखो. एनी मीनिंग यू कैन आस्क मी टुमारो. यस स्टूडेंट, इफ स्टिल देयर इज एनी प्रॉब्लम तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप उसमें अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हाँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके पास आ जाएंगे अभी. तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उस पर पूछ लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. एंड टुमारो इन क्लास ऑल्सो, बस चलो आज की क्लास नहीं ओवर करते हैं. Tomorrow we will meet again, same time, till then, stay home, stay safe and keep studying. Okay? So should we stop the class today at this moment? Okay students, all the best.